नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान हाई कोर्ट LDC 2022 के लिए महत्वपूर्ण बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जिनको अधीनस्थ बोर्ड बार बार रिपीट कर रहा है, जो रीट 2022 में अभी हाल ही में 25 से 1 मार्च तक चलने वाली रीट 2022 में पूछे गए प्रश्नों को आज हम रिपीट करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो अगर इसमें देखें तो परमवीर चक्र से सम्मानित वाले होने वाले प्रथम राजस्थानी थे पीरू सिंह। कौन थे दोस्तों? पीरू सिंह और शैतान सिंह भी परमवीर चक्र से सम्मानित हो चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की गई? तो ये योजना लागू की गई थी 1 मई 2021 से। कब की गई थी? 1 मई 2021 से। और ये जो 1 मई 2022 है, तो इसको दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी। कब? 1 मई 2022 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई 2021। हाल ही में 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? तो दोस्तों इसी के 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अभी हाल ही 2022 में। कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो हो खेल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ क्या पूछा गया है? नहीं है। तो ये क्वेश्चन चेक करना है अपन को। नितेश पुनिया हैमर थ्रो खेल से संबंधित है, मंजू बाला भी है और नीरज बालोदा ये भी है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अंजनी कुमार हैमर थ्रो से संबंधित नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है इसमें कौन सी योजना असुमिलित है? तो शुभ शक्ति योजना 2016, ये तो सही है, ये 2016 में ही लागू की गई थी शुभ शक्ति योजना, तो ये भी करेक्ट है। और सब विवेक जिला विकास योजना 2005-2006, ये भी सही है। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना 2019-20, तो ये भी सही है। इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? अनुप्रति योजना 2004, ये 2004 में नहीं 2011 में कब लागू की गई थी? 2011। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध एथलीट हैं? तो इसमें राजस्थान के प्रसिद्ध एथलीट कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मंजू बाला है जो राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? तो ये राशि है जो दोस्तों 10 लाख कर दी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और अभी 2022 और 2023 का ये 2023-24 का जो बजट आया है, उसमें अशोक गहलोत जी ने इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत कहाँ से चलाया गया है? तो अभियान सेहत है जो जिला प्रशासन द्वारा अलवर ज़िले से चलाया गया है। कहाँ से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर, तो ये अलवर ज़िले से चलाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम DPEP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बार बार में दोहराया जाता है। तो ये 1977-78 से लागू किया गया। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना चल रही है वो है सौर ऊर्जा आधारित पंप से, जो सौर ऊर्जा की उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? जो उड़ान योजना है तो उसमें कितने सैनिटरी नैपकिन प्रति माह ही किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो इसमें 12 सैनिटरी नैपकिन प्रतिमा प्रदान किए जाते हैं।
इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर, ये जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो ये जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान मदरसा बोर्ड अपने राजस्थान में जयपुर में स्थित है। इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों इंदिरा रसोई योजना का आरंभ 20 अगस्त 2020 से हुआ था। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिशन लिसा का संबंध किससे था? तो मिशन लिसा का संबंध था अपने राजस्थान में, मिशन लिसा का संबंध कोविड-19 प्रबंधन से था, जो कोविड-19 के अंदर जो प्रबंधन किया गया था उससे संबंधित है ये। दोस्तों ये प्रश्न बार बार में हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसे रट लेना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 100 दिन की गारंटी दी जाती है, लेकिन जो हाल ही में भी बजट पेश किया था गहलोत साहब ने, तो उसमें इन्होंने 100 दिन से बढ़ाकर 125 कितने दिन कर दिए, 125 दिन कर दिए इन्होंने। मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ चल रहा है? तो दोस्तों जो मेगा फूड पार्क अभी नया बनने जा रहा है, तो वो कहाँ है, जोधपुर में, तो उसका निर्माण कहाँ चल रहा है, जोधपुर में। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों ये जो किशनगढ़ में हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन अक्टूबर 2017 में किया गया। राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख कितना कर दिया गया है दोस्तों? 10 लाख। दोस्तों एक क्वेश्चन और, अवनी लेखरा ने हाल ही में कितने पदक जीते थे? तो अवनी लेखरा ने दोस्तों 2 पदक जीते थे, एक 10 मीटर पे और एक 50 मीटर पे। 10 मीटर पे जीता था अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक, और जो 50 मीटर था उसमें जीता था कांस्य पदक।